अरे सुंब से ऊपर वाला एरिया है गोरन के खब्बल का, उस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुनने में आ रहा है कि कुछ इसकी जेजेम की पाइपें भी वो भी बह गई हैं और एक शेड में पानी भर के उसका 3-4 बर्ड जो चूचा था वो मर गया है। और गोरन बाबा शिव जी के दरबार के नीचे जो स्थानीय लोगों ने खोखे लगाए थे, जो रोजी रोटी थी वो भी पानी के बहाव में बह चुकी है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं कि कृपया करके नदी के आस पास ना जाएं और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर ज़रूरी इमरजेंसी है तो उनको आप खुद जाएं स्कूल लेकर, जाकर उनका टेस्ट है, पेपर है तब। अगर नहीं है तो कृपया करके आप जैसे पानी का जलस्तर देख रहे हैं ऐसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, आप बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। और तमाम लोगों से ये अपील है कि आप लोग नदी के किनारे ना जाएं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। जान है तो जहान है, इसलिए मौसम कभी किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। इसलिए तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपनी अपनी सेफ्टी खुद रखें, नदी के किनारे ना जाएं। और इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन से भी हम अनुरोध करते हैं कि आप भी थोड़ा एक दो चक्कर लगाएं, तो कि नदी के किनारे लोग बाढ़ देखने के कारण नदी के किनारे ना जाएं कि किसी का कोई नुकसान हो जाए। कंडी एरिया है, जब बारिश होती है तो अचानक होती है, जब अचानक बारिश होती है अचानक पानी आए तो किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए तमाम लोगों से यही विनती है कि नदी नालों के आसपास ना जाएं और नदी नालों से दूर रहें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।